तो बहुत सारे यूट्यूबर्स की एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम बहुत छोटी है बट उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। लोग चाहते हैं कि वो अपने एक थंबनेल क्रिएट करें, इतना ब्यूटीफुल थंबनेल हो कि मज़ा आ रहा होता है, लोग उस पर क्लिक करें, व्यू करें उस पर, क्योंकि एक अच्छा थंबनेल मतलब अच्छे व्यूज। उसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि अपना कटआउट निकालने में, अगर मैंने जैसे अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं इसी की फोटो क्लिक करूंगा और मैं इसका कटआउट निकालना चाहता हूँ, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। लोग फोटोशॉप में लगे रहते हैं, पेन टूल के साथ लगे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ पोर्शन रह जाता है बैकग्राउंड में। तो अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं एक क्लिक में, तो ये वीडियो को पूरा देख लेना। इसके बाद कोई और टूल आप यूज करोगे ही नहीं पूरी जिंदगी में, और अपने थंबनेल इतने बढ़िया बनाया करोगे ना कुछ कहने के। तो वीडियो को पूरा देख के जाना। मैं हूं चरणजीत सिंह, आप देख रहे हैं पाई द रिव्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा तो मानना ये है कि अगर हम आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाएं तो हम यहाँ पे बैठे क्यों हैं, हम यूट्यूब पे क्यों बैठे हैं। अगर हम आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, आपका बैकग्राउंड रिमूव करने में आपकी हेल्प नहीं कर सकते, तो क्यों बैठे हैं हम। अब आपके लिए लेके आए एक ऐसा टूल, उसको ट्रिक बोल सकते हो, मैजिक बोल सकते हो, एक छोटा सा टूल बोल सकते हो। आपने एक क्लिक करना है बस, सिर्फ एक क्लिक, और आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। सोचो मेरा इस टाइम बैकग्राउंड देख रहे हो आप, इतना बड़ा, कितना कुछ है इसके अंदर, कितने एलिमेंट्स हैं, इन सबको रिमूव करना है और मेरे कटआउट को निकाल के दिखाना है। ये भी आप कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक में, इतने भारी बैकग्राउंड को एक क्लिक में रिमूव कर सकते हो आप। और सोचो अगर आपका वाइट बैकग्राउंड हो उसको रिमूव करना कितना ईजी हो जाएगा। तो चलिए भाई चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अगर आप भी अपनी पिक्चर में से बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। और आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जिसका नाम है stickermule.com। एक बार जब आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पे आके अपना साइनअप करना होगा। मैंने कर लिया है, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ यहाँ पर, मेरा अकाउंट दिख रहा है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपने अपनी बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे एक टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन है ट्रेस का। बाकी और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं ये वेबसाइट प्रोवाइड करती है, बट फिलहाल हमें इसको यूज़ करना है, अपना बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ पे ट्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका अपलोड अ फोटो का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये मेरी फ़ोटो यहाँ पे है, मैं इसको यूज़ करूँगा और इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। देख सकते हैं आप बैकग्राउंड कितना भरा हुआ बैकग्राउंड है, और इसको हमने रिमूव करना है, और आप देखिएगा कैसे ये कितना एफिशिएंटली इसको रिमूव कर देगा। इसको यहाँ से क्लिक करके ओपन करते हैं, अभी ये फाइल अपलोड हो रही है हमारी और इसको ये प्रोसेस करेगा। मेरे ख्याल से एक मिनट लगाता है पूरा इसको प्रोसेस करने में। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गई है स्टार्ट। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप एक दिन के अंदर मेरे ख्याल से 3 से 4 इमेजेस को ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक दिन में 3 से 4 इमेजेस का ही बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगर आप और करना चाहेंगे तो आपको नेक्स्ट डे आना पड़ेगा यहाँ पर। आप एक बार पिक्चर देखिए ज़रा, कितनी अच्छी इन्होंने काट कर दी है, बिल्कुल बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, एक भी ग्लिच नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप जैसे इसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं कुछ भी बैकग्राउंड में, यहीं से आप बैकग्राउंड इमेज डालकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर मैं विदाउट बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं और इमेजेस भी डाल सकते हैं, जैसे ये देखिए मैंने पीछे ये डाल दिया, ये बैकग्राउंड देखिए, मतलब मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत अच्छा फीचर है, बहुत अच्छी वेबसाइट है ये आपका, बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आप एक सेकेंड के अंदर आप यहाँ पर अपनी कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं, अगर मैं इस इमेज को क्लिक करूँगा ये अपलोड हो जाएगी और ये मेरा बैकग्राउंड पे लग जाएगा सारा कुछ। ये देखिए मैंने अपने बैकग्राउंड में अपनी इमेज डाल दिया पाई द रिव्यू की। यहीं पर एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। और एक और यहाँ पे ऑप्शन है क्रॉप करने का, आप यहाँ पे फोटो को अपनी क्रॉप भी कर सकते हैं कुछ साइजेस में, अगर इतनी करना चाहते हैं कुछ भी। मैं अब इसको इतना ही लेना चाहता हूँ जैसे, और मैं कोई भी इमेज नहीं लेना चाहता हूँ, मैं हटा दूँगा। इवन बैकग्राउंड भी मुझे बिल्कुल प्लेन चाहिए, तो मैं कलर्स के अंदर जाके इसको बैकग्राउंड प्लेन ले लूँगा। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड, और ये आपको एक नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा और वहाँ से आप अपनी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन डाउनलोड फुल इमेज का, और यहाँ पे काफ़ी सारे आप स्टिकर्स भी प्रिंट करा सकते हैं इस वेबसाइट से। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे डाउनलोड फुल इमेज, ये मेरी इमेज डाउनलोड हो गई है। इसको खोल के देखते हैं एक बार, मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ, आप इसको जूम करके देखिए। ये देखिए
ये देखिए मैंने कितना जूम कर लिया, और ये थंबनेल के लिए, थंबनेल बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज है। मुझे नहीं लगता कोई और वेबसाइट इतनी अच्छी क्वालिटी आपको दे सकती है किसी भी तरह की। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से अपना बैकग्राउंड रिमूव कर लिया पिक्चर का, और आप भी इसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपना टाइम बचा सकते हैं और बहुत जल्दी अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। इसी फोटो को हम फोटोशॉप में इंपोर्ट करके अपना पूरा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं इससे। तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पेन टूल यूज़ नहीं करना पड़ेगा पूरा हटाने के लिए बैकग्राउंड को, और आप इस वेबसाइट से जाकर विद इन अ मिनट अपनी फ़ोटो को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव कराकर। लो जी, हो गया जी आपका पर्पस सॉल्व, कर दिया आपने बैकग्राउंड रिमूव अपनी पिक्चर का। कैसी भी पिक्चर हो, कैसा भी बैकग्राउंड हो, एक क्लिक में आपने रिमूव कर दिया, देख लो। बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि सही बता रहा हूँ आने वाली जो वीडियोज़ है ना, इतने धमाकेदार वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ ना मैं। आगे आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा चुटकियों में, आगे आपको वीडियोज़ इंप्रूव करना सिखाऊंगा चुटकियों में, देखते रहना आगे। हम मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।